स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर विकास दुबे गैंग का सफाया कर दिया है। अलग अलग एनकाउंटर में गैंग के 6 लोग ढेर कर दिए गए। यह वही हिस्ट्री शीटर विकास दुबे है जो कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर अचानक से लाइमलाइट में आ गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही लुका छिपी का खेल खेल रहे विकास दुबे का शुक्रवार की सुबह एनकाउंटर कर दिया गया। एक दिन पहले ही उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़े गए विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम लौट रही थी। काफिले की गाड़ियां बहुत तेज स्पीड से चल रही थीं कि अचानक से एक गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि गाड़ी पलटने के बाद बदमाश ने भागने की कोशिश की और एक एसटीएफ अधिकारी की पिस्टल छीन ली। उसने फायरिंग भी की जिसके बाद मजबूरन विकास का एनकाउंटर करना पड़ा। दुबे को लाया जा रहा था और यहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें खाजा उठा करके जाते हैं। उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहां पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसको जो है। इससे पहले विकास दुबे के एक अन्य साथी प्रभात मिश्रा को पुलिस ने कानपुर हाईवे पर मुठभेड़ में मार गिराया था। प्रभात को फरीदाबाद से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम कानपुर लेकर आ रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी खराब हो गई और सड़क पर गाड़ी के रुकते ही प्रभात ने बंदूक छीनकर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। उसी वक्त गैंग का एक और बदमाश बवन इटावा में मुठभेड़ के दौरान मारा गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूट कर भाग रहे बवन को पुलिस और स्वाट टीम ने घेरबंदी कर मार गिराया। विकास का दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर के मौदहा कोतवाली इलाके में मार गिराया था। यह मुठभेड़ बुधवार को हुई थी। शार्प शूटर अमर दुबे हमीरपुर में अपने रिश्तेदार के घर पर छिपने आया था। इसी दौरान पुलिस ने उसे घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि अमर ने इस दौरान पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद उसे मार गिराया गया। कानपुर के बिकरू गांव में हुई वारदात की अगली सुबह 3 जुलाई को ही विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। विकास दुबे के एक खास आदमी अतुल दुबे को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया था। अतुल रिश्ते में विकास का चचेरा भाई था और बिकरू गांव में ही रहता था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से ही विकास दुबे कानपुर के अपने बिकरू गांव से फरार था। इसके बाद से ही यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर थी। यूपी पुलिस के साथ ही एसटीएफ विकास दुबे को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। प्रशासन ने विकास को पकड़ने के लिए पुलिस की कम से कम 60 टीमें बनाई थी। विकास दुबे पर घोषित 50,000 के इनाम को बढ़ाकर 5,00,000 कर दिया गया था। पुलिस को अभी भी विकास दुबे के कुछ और साथियों की तलाश है। आपको बता दें कि इतने दिनों तक कानपुर और औरैया के बाद विकास की लोकेशन नोएडा फरीदाबाद में मिली। इसके बाद वह कोटा के रास्ते उज्जैन भाग निकला था।